सर ने आपने स्ट्रगल का हवाला दिया कि मैं जब अपनी बुक प्रिंट करवा के सड़कों पर बांट रहा था तब भी लोगों को बुरा लग रहा था। मैं जब स्पेशल क्लास 700 में 350 लेक्चर दे देता हूँ और लोग का 2000-1500 में चल रहा है तब भी और लोगों को बुरा लगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारी नजर में सारे टीचर्स के लिए बहुत ही ज्यादा और बराबर का सम्मान है। जितना सम्मान आदित्य रंजन सर के लिए उतना ही सम्मान हमारी नजर में राकेश यादव सर के लिए है। दोनों ही अपने में एक पर्सनालिटी है। ये वीडियो मैंने खासकर इसलिए बनाई है क्योंकि YouTube पर एक बहुत ही पॉपुलर और ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सी चल रही थार को लेकर। तो ये कंट्रोवर्सी है क्या, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, इसको अब डिटेल में हम समझते हैं कि किसने क्या कहा और किसने क्या अनाउंस किया और बच्चों को गिफ्ट कौन कर रहा है और किस वजह से गिफ्ट कर रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है, मैंने यहाँ कॉपी में लिख रखा है, सबसे पहले शुरुआत होती है 19 फेब को, जब आदित्य रंजन सर के पर्सनल चैनल पर आदित्य रंजन टॉक्स पर शॉर्ट वीडियो अपलोड होती है जिसमें थार गिफ्ट करने की बात कही जाती है आदित्य रंजन सर के द्वारा। तो आदित्य रंजन सर क्या कहते हैं उस वीडियो में मैं आपको बता दूं। आदित्य रंजन सर का कहना था कि मैं इस बार SSC CGL, SSC CHSL, SSC CPO तीन कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि SSC ऑर्गेनाइज कराता है उसमें जो टॉप 10 रैंक लाएगा उन सभी 10 के 10 बच्चों को मैं थार गिफ्ट करूंगा, चाहे वो टॉप 10 स्टूडेंट CGL के हों क्यों ना, वो टॉप 10 स्टूडेंट CHSL के हों क्यों ना, वो टॉप 10 स्टूडेंट CPO के हों। मीन्स 30 थार इस बार आदित्य रंजन सर अपने चैनल पर अनाउंस किया है गिफ्ट करने के लिए। तो अब बात यहां आती है अनाउंस क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है। तो इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह है, आदित्य रंजन सर जैसे कि अपनी वीडियो में ही कहते हैं कि मैं गया था अपने भाई के लिए थार खरीदने, तो उन्होंने वहां ही सोच लिया था कि जैसे मैं अपने भाई को थार दिला रहा हूं ठीक उसी तरह हमारा वो भाई भी है जो तैयारी कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है SSC एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो मैं भी उन्हें थार गिफ्ट करना चाहता हूं। तो इसी को लेकर आदित्य रंजन सर ने अपना वीडियो चैनल पर अपलोड किया था कि मैं भी SSC CGL CHSL और CPO में टॉप 10 स्टूडेंट, मतलब टॉप 10 में एक दो स्टूडेंट नहीं, 10 के 10 स्टूडेंट को एक एक थार गिफ्ट की जाएगी। अब बात आती है यार थार तो बहुत महंगी आती है, इसका कितना कॉस्ट हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं एक थार ऑन एन एवरेज 20 से 22 लाख रुपए की आ रही ऑन रोड प्राइस, 20 से 22 लाख रुपए की। तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं लगभग अगर 30 थार गिफ्ट करी जाएगी, 10 CGL, 10 CHSL, 10 CPO, तो ये 6 करोड़ की थार लगभग होगी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अनाउंसमेंट है, ये कोई छोटा मोटा अनाउंसमेंट नहीं है, बहुत बड़ा और पूरा तहलका मचा देने वाला अनाउंसमेंट था आदित्य रंजन सर का। तो अब ये बात पहुंची राकेश सर ने तो कुछ नहीं कहा फिलहाल, राकेश सर का एक लाइव सेशन चल रहा था, शायद कल का लाइव सेशन चल रहा था, तो उसमें एक स्टूडेंट ने पूछा सर आप हमें क्या गिफ्ट दे रहे हैं, आप हम लोग बच्चों के लिए क्या गिफ्ट रखा है, जैसा कि आदित्य रंजन सर थार दे रहे तो आप हमको क्या देंगे अगर हम लोगों ने फर्स्ट रैंक लाया सेकंड या कुछ भी। तो उसी पर राकेश सर ने बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, कहें देखो बच्चा मैं कुछ गिफ्ट देने वाला नहीं हूं, जो ये सारी गंदगियां फैला रहे हैं ये गंदगी आप हमारे चैनल पर मत फैलाइए, ये सारा कहना था आदित्य वो राकेश सर का। तो राकेश सर काफी गुस्से में थे, राकेश सर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं नहीं चाहता बच्चों को लालच में पढ़ाया जाए या बच्चों को लालच दे दिया जाए वो उसके चक्कर में अपनी और चीज को अफेक्ट करे। तो ये बात थी राकेश यादव सर ने कही थी। राकेश यादव सर ने एक बात और कही, मैं बताता हूं, बहुत बड़ी बात हाईलाइटेड बात कही थी, जिसकी सिलेक्शन दिलाने की औकात नहीं है वो गिफ्ट के दम पर बच्चों को खरीद रहे हैं, ये बात राकेश यादव सर ने अपने चैनल पर कही थी। पता नहीं उन्होंने क्या सोचकर ये कहा था लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट यूज किया था। और इसके बाद उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहां राजाओं को धीरे धीरे लालच दिया और लालच में उनको अपने जाल में फंसाते चले गए, उनको पता भी नहीं चला कि मैं लालच के दलदल में फंसता जा रहा हूं और सारा साम्राज्य हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो फाइनली ये सब बातें राकेश सर ने कही, राकेश सर का पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। और फिर आदित्य रंजन सर एक वीडियो फिर अपलोड करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैं तो पहले सोच लिया था, मुझे जो कहना था मुझे करना था, मैंने अनाउंस कर दिया मैं बच्चों को गिफ्ट करूंगा। कहा उन्होंने कहा कि जब हम लोग पहले तैयारी करते थे तो हमारे माँ बाप कुछ प्राइज रखते थे या कुछ चॉकलेट जैसे छोटे रहते थे देते थे, तो उस हिसाब से उन्होंने इस वजह से अनाउंसमेंट किया
अनाउंसमेंट के बाद, अब जब यूट्यूब पर पूरे फैल गया कि सारा अनाउंस हर जगह हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह मैं भी अनाउंस किया हूं, बच्चा मन लगाकर पढ़े अच्छे से, अब देखना ये होगा। और राकेश सर ने फिर एक चीज कही थी कि गंदी परंपरा जो आईआईटी और नीट में संलिप्त है वो आप एसएससी में मत लाइए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम है, यहाँ बच्चा बहुत मेहनत करता है। और उसके बाद आदित्य रंजन सर ने एक और उसमें कॉन्सेप्ट रखा कि वही बच्चों को मैं गिफ्ट करूंगा टॉप 10 जो हमारे चैनल पे कहीं ना कहीं लिंक होगा या हमारे ऐप से विक्रमजीत ऐप से वो वर्क करता रहेगा या उससे स्टडी करता रहेगा। तो इसके बाद फाइनली उन्होंने कहा ऑल इंडिया रैंक चाहे जिसका हो, आइदर गर्ल और बॉय। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी बम्पर वैकेंसी आई है तो इसमें जो है काफी ज्यादा चांस है, तो मैं बच्चों को अगर प्रोत्साहित कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है। तो ये भी सोचने की बात है, आदित्य रंजन सर भी अपनी जगह ठीक ही कह रहे हैं कि अगर मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं, मैं किसी कुछ खरीद नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ उनको मोटिवेट कर रहा हूं कि, और उन्होंने सैलरी का भी एग्जांपल दिया, मान लीजिए एचएसएल के बच्चे की जॉब लगती है और वो सैलरी 30,000-32,000 पाता है, तो मैं अगर उस साल भर भी कमाई करेगा तो 4-5 लाख उसके इन हैंड आएगी, और अगर मैं उसको टॉप 10 में आया और उसको थार दे दिया तो उसकी फ्यूचर की कमाई पहले ही हो जाएगी और बहुत ही कंफर्ट फील करेगा और जितनी मेहनत किया रहेगा उसकी मेहनत वसूल होगी। तो यही सब चल रहा है यूट्यूब पर, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, हर जगह यही मचा हुआ है थार की कंट्रोवर्सी, तो हमने सोचा लाइए आपको क्लेरिफाई कर दूं। तो राकेश यादव सर भी अपनी जगह एक तरीके से ठीक कह रहे हैं, लेकिन आदित्य रंजन सर ने भी ठीक ही अनाउंसमेंट किया अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, तो कोई यहां पर गलत नहीं, सब अपने तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आदित्य रंजन सर ने अपने स्ट्रगल का हवाला दिया कि मैं जब अपनी बुक प्रिंट करवा के सड़कों पर बांट रहा था तब भी लोगों को बुरा लग रहा था, मैं जब स्पेशल क्लास 700 में 350 लेक्चर दे देता हूं और लोग का 2,000-1,500 में चल रहा है तब भी और लोगों को बुरा लगा। तो ये सब बातें आदित्य रंजन सर की तरफ से कही गई है। मैं फिर से बता दूं, मेरी दोनों टीचर्स के लिए जितनी रिस्पेक्ट है उतनी बराबर बराबर है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मैं करता हूं। सो फाइनली इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।